हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एचएनएल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के आखिरी पार्ट, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक। इसके पहले की वीडियो में हमने बात किया था डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एज पर देयर स्पेसिफिक फंक्शन। उसमें हमने बात किया था कि लोकल एनेस्थेटिक कैसे अपना एक्शन सोडियम चैनल को ब्लॉक करके देता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसके यूजफुल होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी लोकल एनेस्थेटिक को हम किन किन टेक्निक को यूज करते हुए अप्लाई कर सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड पार्ट पे, एक फिक्स जगह पे जहां पे आप चाहते हैं कि पेन का परसेप्शन रिवर्सली तरीके से ब्लॉक हो सके। यानी कि हम लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई कैसे करें, कहां कहां अप्लाई करें और कौन सी जगह में अप्लाई करने से कौन सा यूज हो सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमने यहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है, बाकी आप फार्माकोलॉजी के केडी त्रिपाठी की बुक से रेफरेंस में देख सकते हैं, हमने वहां का रेफरेंस यहां से लिया हुआ है, बट हमने काफी कुछ यहां से कवर किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स की। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सबसे पहला है सरफेस एनेस्थेसिया, दूसरा इनफिल्ट्रेशन, तीसरा है हमारा कंडक्शन ब्लॉक, और हमारा कंडक्शन ब्लॉक के अंदर कुछ सब पॉइंट भी हैं जैसे फील्ड ब्लॉक, नर्व ब्लॉक, चौथा होगा हमारा स्पाइनल एनेस्थेसिया एंड द फिफ्थ वन इज एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। तो ये एक मेन पाइप है, पांच टाइप हमने यहाँ पे कोट किए हुए हैं। एक इंट्रावीनस भी एनेस्थेसिया होता है जिसके बारे में उतना डिटेल से कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बट ये जो पांच मैकेनिज्म है या यूं कहें कि पांच टेक्निक है जिनको हम किसी भी लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो एक शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक के भी आ सकते हैं, या किसी भी एक को यूज करते हुए कह सकता है कि एक्सप्लेन इन्फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स फॉर लोकल एनेस्थेटिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एनेस्थेटिक की। तो सरफेस एनेस्थेटिक में आपको उसका नाम ही बता रहा है कि एनेस्थेटिक जिसको हम किसी भी बॉडी के पार्ट के सरफेस पे अप्लाई करेंगे और सरफेस पे अप्लाई करने के बाद उस सरफेस पे हमको लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट मिलेगा, यानी कि उस सरफेस पे अब हमको किसी भी तरह का पेन चुभने पे कोई भी तरह का एहसास नहीं होगा, पेन का परसेप्शन थोड़ी देर के लिए जितने देर तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उस लोकल एनेस्थेटिक का हमें नहीं होगा, ये कहलाता है सरफेस एनेस्थेटिक। सरफेस एनेस्थेटिक से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे हमने कोट किया है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है टॉपिकल एप्लीकेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन और एब्रेटेड स्किन। ये जो लोकल एनेस्थेटिक है और ये जो लोकल एनेस्थेटिक जिसमें हम टॉपिकल यानी कि सरफेस एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं, इस तरह के एनेस्थेटिक को हम म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, मुंह पे अप्लाई कर सकते हैं, ओरल कैविटी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम एब्रेटेड स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। एब्रेटेड स्किन कहने का मतलब यह है कि ऐसे स्किन जहां पे थोड़ा सा छिल गया हो, कट गया हो, कटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे छिलने का है, थोड़ा सा वहां पे एक थिक लेयर बन गई हो, दैट इज कॉल्ड एब्रेटेड स्किन। तो इन दो जगह पे हम सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और सरफेस के ऊपर अप्लाई करने की वजह से इसका जो एक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है केवल और केवल सरफेस पे ऊपर के सुपरफिशियल लेयर पे। और इसके दो फायदे हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी कारण से हमको मुंह पे ओरल छाले हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं और हम उसको उसकी वजह से कोई भी चीज को यूज नहीं कर पा रहे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो उसको उसका जो पेन का परसेप्शन है जहाँ पे नर्व एंडिंग है फूड के कांटेक्ट में से सेंसिटाइज हो जाता है और पेन होता है, उसके पेन के परसेप्शन को थोड़ी देर के लिए जब तक आप फूड इंड्यूस करेंगे तब तक के लिए ब्लॉक करने के लिए हम जो जेल यूज करते हैं वो हमारे लोकल एनेस्थेटिक हैं और वो इसी सरफेस एनेस्थेसिया पे काम करते हैं और थोड़ी देर के लिए उस पेन के परसेप्शन को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं जब तक हम उसको फूड को यूज कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। दूसरा जो है एब्रेटेड स्किन पे अगर कोई छोटा सा स्टिच लगाना हो या कोई कुछ चीज़ हल्की सी चुप गई हो जिनको वहां से निकालना हो, तो छिला हुआ स्किन है वहां पे हम इसको यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम कोई भी ड्रेसिंग करें या माइन्यूट सा कट करें तो वहां पे पेन का परसेप्शन नहीं होगा, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ सरफेस एनेस्थेसिया। दूसरा जो पॉइंट कहता है ओनली सुपरफिशियल लेयर इज एनेस्थेसाइज, जैसे हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे स्किन का या जिस भी एप्लीकेबल पार्ट पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पे जाकर के ये एनेस्थेसिया इफेक्ट शो करेगा, उसके ऊपर वाले हिस्से को ही अगर हम चुभ करते हैं, पिंच करते हैं तो हमें पेन का परसेप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कट या नीडल या सिरिंज या कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर थोड़ा सा अंडर पेनिट्रेट करेगा तो वहां से आपको पेन का परसेप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज इट ओनली वर्क एट द सुपरफिशियल लेयर। तो तीसरा पॉइंट कहता है नो लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। ये जो सरफेस एनेस्थेटिक है इसके पहले हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि लोकल एनेस्थेटिक डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ये आपके सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सरफेस एनेस्थेसिया आप इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा देते हैं तो ये केवल
केवल और केवल आपके मोटर नर्व के फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ सेंसरी नर्व के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। यानी कि सेंसरी नर्व कहने का मतलब ऐसे नर्व हैं जो कि आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से पेन के सेंसेशन को कैरी कर करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ही हमें ये पता चलता है कि किसी पार्ट पे कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें पेन का परसेप्शन हो रहा है। तो उस आने वाले को, उस एफरेंट सिग्नल को, उस सेंसरी सिग्नल को हमारा जो लोकलसिटिक है सुपरफिशियल लेयर पे ब्लॉक करता है, बट ये मोटर नर्व को ब्लॉक नहीं करेगा। मोटर नर्व मतलब ऐसा नर्व जो कि उस लिए गए पेन के रिस्पांस में मैसेज भेज रहा होगा थ्रू ब्रेन, यानी कि उस बॉडी के पार्ट तक जा रहा होगा, दैट्स कॉल्ड मोटर नर्व। तो उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया सुपरफिशियल यानी कि सरफेस एनेस्थेटिक। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और हम इसको देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं आइस पे फॉर द ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑफ कैटरेक्ट। जब मोतियाबिंद हो जाता है तो मोतियाबिंद की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आपके सरफेस एनेस्थेटिक को, ताकि वहां पे जो जाले बने हुए हैं मोतियाबिंद के उसको वहां से रिमूव किया जा सके। उसके बाद हम माउथ में इसको यूज कर सकते हैं, अगर माउथ में किसी तरह का अल्सर यानी कि छाले हो गए हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो पेन को कम करने के लिए हम सरफेस एनेस्थेटिक को यूज कर सकते हैं, छाले को यूज करने के लिए नहीं। छाले को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके पेन के परसेप्शन को, नर्व के सेंसिटाइजेशन को ब्लॉक करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक को यूज कर रहे हैं। इसके बाद स्किन पे हम माइनर सर्जरी, या तो इंटैक्ट स्किन पे हो तो हम माइनर सर्जरी के लिए भी बात कर सकते हैं, और एनल कैनाल पे पाइल्स के ऑपरेशन को यूज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए दे रेस्पेक्टिव यूज बाय यूजिंग सरफेस एनेस्थेटिक। इस सरफेस एनेस्थेटिक को समझाने के लिए हमने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है जो कि हमने किसी भी बुक से नहीं लिया है, हमने थ्योरी को कन्वर्ट किया है डायग्राम में। यह है हमारा स्किन और ये स्किन एब्रेडेड हो गया है, यानी किस तरह से छिल गई है, यहाँ पे कुछ तरह का प्रॉब्लम है, या हमें वहाँ पे वो, अगर आप बात करते हैं पाइल्स की तो वहाँ से उसको कट करके रिमूव करना है, तो हम उसको सरफेस पे अप्लाई करते हैं, और सरफेस पे अप्लाई करने की वजह से लोकल एनेस्थेटिक जो सरफेस के नर्व है वहाँ पे ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को, और वहाँ पे पेन का परसेप्शन नहीं होता। जैसे ही ये नीडल कोई अंदर चुभने लगेगी ये पेन का परसेप्शन वापस से स्टार्ट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ओनली सरफेस पे काम करता है, ओनली सरफेस पे अगर आप कोई चीज़ चुभोते हैं, पिंच करते हैं, तो आपको पेन का परसेप्शन नहीं होगा। ये हो गया हमारा एनेस्थेटिक। अब हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक की। तो इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक का नाम से भी मतलब है, इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है घुसपैठ, हिंदी अगर हम बात करें उसका मतलब है घुसपैठ, उसके अंदर जा करके आपका एक्शन शो करना। किसके अंदर? जहां पे अगर आप ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, जहां पे आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के टिश्यूज के अंदर जाकर के अपना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करना, दिस इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्किन है तो स्किन के सुपरफिशियल लेयर के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है, इस सबक्यूटेनियस लेयर में हम लोकल एनेस्थेटिक के डाइल्यूट सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं, ताकि पूरा जो वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का है वो उसके अंदर के नर्व को ब्लॉक कर सके, नर्व के अंदर के कंडक्शन को ब्लॉक कर सके। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज इनफिल्टर्ड अंडर द स्किन। जो भी लोकल एनेस्थेटिक है हमारा वो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम थ्रू नीडल या थ्रू सूटेबल डिवाइस हम उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, ताकि वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो सके और धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू देयर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी वो डिफ्यूज होकर के आपके नर्व को ब्लॉक कर सके, नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक कर सके। सेकेंड पॉइंट है सेंसरी नर्व एंडिंग आर ब्लॉक। जैसे हमने कहा सेंसरी नर्व एंडिंग इस मैकेनिज्म को यूज करके ब्लॉक होते हैं। इसको समझाने के लिए सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, यह है इस स्किन। इस स्किन के ऊपर वाले हिस्से को हम यूज करते हैं, स्किन के सुपरफिशियल लेयर को, सबक्यूटेनियस लेयर को, और वहां पे हम इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के डाइल्यूट सॉल्यूशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से ये सॉल्यूशन यहां पे डिफ्यूज होता है, और इस मसल्स के, इस सेल्स के अंदर जहां पे आप चाहते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट मिले, जो भी नर्व एंडिंग होगी, नर्व के जो रूट होंगे उनको ये ब्लॉक कर देगा, और इसकी वजह से पेन का परसेप्शन नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमने आगे कोट भी किया हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का होगा वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू द साइट ऑफ एक्शन। जितनी जगह कम है उससे ज़्यादा ही हमको लोकल एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विल बी मोर एज कम्पेयर टू साइट एरिया ऑफ साइट। दूसरा है सेंसरी नर्व एंडिंग। जैसे हमने बताया कि सेंसरी नर्व एंडिंग ब्लॉक होगा, कहां से वहां सिग्नल लेके के आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ना जा सके। तीसरा पॉइंट है यूज फॉर माइनर ऑपरेशन। इसका जो मेन यूज है वह है माइनर ऑपरेशन में।
इन सीजन में और हाइड्रोसिल जैसे कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, डे टू डे प्रोसीजर होते हैं, उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कहीं जानकारी होगी, तो वो सैक में सैक इवर्जन टेक्निक से जब हम ट्रीट करते हैं तो उसको ऊपर पुल करके, सैक को पुल करके उसकी जो कैविटी है उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं। फ्लूइड जो है वाटर का ज्यादा होता है और वहां पर लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट पाने के लिए हमको लोकल एनेस्थेटिक का जो वॉल्यूम है वो एज कंपेयर टू पर्टिकुलर साइट ज्यादा इंसर्ट करना पड़ता है, ताकि उस सेल के, उस ऑर्गन के जहां से आप ऑपरेटिव करने वाले हैं वहां के जो नर्व एंडिंग है वो ब्लॉक हो सके और आपको लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट मिल सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इनफिल्ट्रेशन टेक्निक। अगला है हमारा यूज, लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू एरिया। जैसे हमने बताया कि अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट चाहिए तो आपको जो फ्लूइड होगा, जो वॉल्यूम होगा लोकल एनेस्थेटिक का, जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वॉल्यूम ज्यादा लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज कंडक्शन ब्लॉक एनेस्थेसिया, यानी कि ऐसा एनेस्थेटिक ड्रग जो कि नर्व के कंडक्शन को ब्लॉक करके अपना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो कर रहे होंगे। नाउ व्हाट इज कंडक्शन, इसके पहले की वीडियो हमने बताया है कि नर्व का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो सेल्फ नर्व में हो, ये नर्व का ट्रांसमिशन या कंडक्शन कहलाता है। अगर एक ही नर्व के अंदर हो रहा हो तो कंडक्शन, एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफर हो रहा हो तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन। फिलहाल हम बात करते हैं कंडक्शन की, क्योंकि कंडक्शन आगे जाकर के ही ट्रांसमिशन का कन्वर्ट होता है। तो कंडक्शन ब्लॉक में मतलब है लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड अराउंड द नर्व ट्रंक सो दैट एरिया डिस्टल टू द इंजेक्शन इज एनेस्थेसाइज्ड। इस केस में हम बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के जो ड्रग हैं उनको उस एरिया पे इंजेक्ट करते हैं जहां पे नर्व ट्रंक आ रहा हो और जो थोड़े से उसके दूर में हो, ताकि वो जब वहां से ट्रेवल करके आए तो वो एनेस्थेसिया को क्रॉस करते हुए पहुंचेंगे और वो नर्व फिर फाइनली एनेस्थेसाइज हो जाएंगे। इस लाइन को हम दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। लोकल एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड अराउंड द नर्व ट्रंक, लोकल एनेस्थेटिक है वो नर्व ट्रंक के आसपास उसके पेरिफेरी में सराउंडिंग में इंजेक्ट किया जाता है। नाउ व्हाट इज नर्व ट्रंक, नर्व ट्रंक कहने का मतलब है कि एक ऐसा जगह जहां पे जितने सारे नर्व हैं वो एक गुच्छे के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में आ रहे होंगे। इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, या आप अपने डेली लाइफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके घर में एक मोटा सा वायर है, खासकर सबमर्सिबल के वायर्स हैं, बड़े बड़े वायर्स हैं, तो अगर आप उनको कट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बड़े गोल वायर के अंदर कई सारे छोटे छोटे वायर्स और फिट हुए हुए हैं, यानी कि एक बंच है और उस बंच के अंदर छोटे छोटे सब वायर्स बड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड नर्व ट्रंक। तो अगर हम लोकल एनेस्थेटिक को नर्व ट्रंक के अराउंड इंजेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, तो उसके वजह से होगा कि जहां पर हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, लोकल एनेस्थेटिक को, उसके सराउंडिंग के जो नर्व आ रहे होंगे वो वहां पे लोकल एनेस्थेटिक के कारण से एनेस्थेसाइज्ड हो जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है, इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक सब ये फील्ड ब्लॉक का है, तो यहाँ पे हो गया हमारा लोकल एनेस्थेटिक के लिए जो बात किया था इंजेक्ट करने का, वहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा वायर है, वायर के अंदर छोटे छोटे सब वायर हैं, तो अगर हम लोकल एनेस्थेटिक को इस नर्व ट्रंक के सराउंडिंग में इंजेक्ट करते हैं तो इसके कारण से जो भी नर्व इस मूवमेंट कर रहे होंगे, इस जगह से ट्रंक से मूव कर रहे होंगे, वो यहां से आने के बाद लोकलाइज कंडीशन में एनेस्थेसाइज्ड हो जाएंगे और यहां से पेन का परसेप्शन आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्शन ब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहां से आने के बाद यहां नहीं जा पाएगा हमारा नर्व का कंडक्शन, यानी कि इंपल्स का जनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं फील्ड ब्लॉक की। तो फील्ड ब्लॉक कहने का मतलब होता है ऐसा लोकल एनेस्थेटिक का टेक्निक जो कि उसके सराउंडिंग के फील्ड को ब्लॉक कर दे, उस फील्ड को ही ब्लॉक कर दे और वहां से जो भी नर्व गुजरेंगे उनको वहां पे वो डिस्टर्ब कर देगा, उनको एनेस्थेसाइज कर देगा। क्या पॉइंट कहता है, इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक सबक्यूटेनियसली, यहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक को सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट करते हैं और उसके कारण से क्या होता है, नर्व कमिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड आर ब्लॉक। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड की आप बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट पे लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट चाहिए, यहां पे मैं कुछ करने वाला हूं माइनर सर्जरी और चाहता हूं कि यहां पे पेन का परसेप्शन ना हो, तो मैं इस तरह के जो आपके फील्ड ब्लॉक एनेस्थेटिक हैं इनको यूज करूंगा और ये आने वाले जितने भी नर्व हैं, कमिंग नर्व टू पर्टिकुलर रीजन, उनको ये ब्लॉक कर देंगे, वहां से जो भी नर्व गुजरेगा उसको एनेस्थेसाइज कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल, ये कौन कौन से एग्जाम्पल को हम इसको यूज कर सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है डेंटल सर्जरी में हम इसको यूज कर सकते हैं नर्व ब्लॉक को, स्कैल्प स्टिचिंग में, स्कैल्प के जो स्टिच करने को होते हैं, टांगा लगाने को होते हैं, उनकी चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस आर द सिंपल नर्व ब्लॉक एनेस्थेटिक। इसके बाद हम बात करते हैं नर्व ब्लॉक की, ये फील्ड ब्लॉक था और ये हमारा नर्व ब्लॉक।
तो नर्व ब्लॉक कहने का मतलब है ऐसा एनेस्थेटिक जो नर्व को ब्लॉक कर दे, ग्रुप ऑफ नर्व को ब्लॉक कर दे। यहां भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने देखा था आपके नर्व ट्रंक के जैसे ही। कुछ पॉइंट्स यहां कहते हैं इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक अराउंड द एप्रोप्रिएट नर्व ट्रंक, जिस भी नर्व ट्रंक के आसपास, नर्व ट्रंक का नाम हमें बताया कि गुच्छा, तो ऐसा पार्ट जहां से आप चाहते हैं कि पेन का परसेप्शन ना हो उसके सराउंडिंग में हम इस ड्रग को इंजेक्ट करेंगे, तो ये हमारा नर्व ब्लॉक का इफेक्ट शो करेगा। उसके आगे पॉइंट लिखा हुआ है एनेस्थेसिया इज लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग, लेकिन यहां पर कंडीशन उल्टा है जैसे आपने सर्फेस में देखा था कि जो एनेस्थेटिक इफेक्ट हमको मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई चीज़ इंजेक्ट किया है तो जो एनेस्थेटिक इफेक्ट हमको मिल रहा है वो ड्रग के अमाउंट से ज़्यादा होगा, यानी कि हम थोड़ा ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो भी हमको उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा एनेस्थेटिक इफेक्ट मिलेगा, जस्ट अपोजिट टू द सर्फेस एनेस्थेटिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नर्व ब्लॉक का आगे, नर्व सप्लाइड बाय अ ट्रंक विल बी पैरालाइज्ड, जो नर्व ट्रंक के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं वहां पे अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक को इंजेक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो वो उसके आगे का पार्ट जो है वह एनेस्थेसाइज हो जाएगा या पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज करने का मतलब ये जनरल पैरालाइजेशन नहीं है, ये रिवर्सिबल पैरालाइजेशन है, यानी कि वहां पे पेन का सेप्शन नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमने बताया कि सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इन केस ऑफ मसल रिलैक्सेंट, तो ये वही पैरालाइसिस है, यहां पे पेन का परसेप्शन नहीं होगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं और इसकी वजह से माइनर पैरालाइसिस भी दिखेगा। अगला जो पॉइंट है वह है लार्ज वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, इसका जो कंडीशन है वो हमको लार्ज वॉल्यूम चलेगा, लार्ज वॉल्यूम की हमको आवश्यकता होगी क्योंकि उसको ज्यादा तक हमको ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया हमें क्या कह रहा है, इंजेक्टेड टू द सब अराकेडोनिक स्पेस बिटवीन लंबर 2-3 और लंबर 3-4। जो हमारा स्पाइनल एनेस्थेसिया है ये काफ़ी यूजफुल होता है इन केस ऑफ अचीविंग द एनेस्थेटिक कंडीशन, ये जनरल एनेस्थेटिक से ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाला है हालांकि इसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हम स्पाइनल एनेस्थेसिया अचीव करना चाहते हैं, स्पाइनल मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिक लंबर रीजन पे, 2-3 या 3-4 लंबर रीजन पे अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं, 2-3 या 3-4 करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट लोअर पार्ट ऑफ हमारा और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहाँ पर अगर हम इंजेक्ट करते हैं पर्टिकुलरली ड्रग को लोकल एनेस्थेटिक के, तो हमको पेन का परसेप्शन वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज इंजेक्टेड टू सब स्पेस ऑफ लंबर 2-3 और 3-4 या बिलो द लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सो दिस इज अ स्पाइनल एनेस्थेसिया। उसके बाद हम बात करते हैं एपिडुरल एनेस्थेसिया की, तो एपिडुरल एनेस्थेसिया का कहने का मतलब है कि इसमें हमें कुछ खास पॉइंट है कि एपिडुरल एनेस्थेसिया में हम जब किसी नर्व के बारे में बात करते हैं, जैसे नर्व स्पाइनल नर्व स्पाइनल आपका जो कर्व है डुरा का स्पेशल है कर्व है, यहाँ पे हम एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इस सेमी लिक्विड सब्सटेंस में देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये नर्व है, दो नर्व आपस में जॉइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्पेस है, इस स्पेस में हम सेमी लिक्विड फैट को ट्रांसफर करते हैं, इस काइंड ऑफ जेल सेमी लिक्विड फैट को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक उस फैट से धीरे धीरे डिफ्यूज होता है उसके एरिया पे और जो भी नर्व के रूट होंगे, नर्व एंडिंग होगी, वहां से वो ब्लॉक हो जाएगा और पेन का परसेप्शन वहां से हमको नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा एपिड्यूरल एनेस्थेसिया या एपिड्यूरल एनेस्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन। यहां पे हमने पॉइंट एक छोड़ दिया था गलती से स्पाइनल एनेस्थेसिया का, तो वो पॉइंट है सेकेंडरी, दैट इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज नर्व रूट। जो स्पाइनल एनेस्थेसिया का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन है वह है नर्व रूट, जहां से नर्व स्टार्ट होता है वहां पे ब्लॉक करके अपने लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट को शो करता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया शॉर्ट्स में कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई करने के लिए और किन कंडीशन में हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आई की कैटरेक्ट के लिए, हाइड्रोसिल के ट्रीटमेंट के लिए, पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए या अदर टाइप के माइनर सर्जरी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम इन तरह के लोकल एनेस्थेटिक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लोकल एनेस्थेटिक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ग्लॉकोमा को ठीक करने वाले ड्रग के बारे में, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द माइस्थेमिया ग्रेविस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज बी टच, प्लीज कनेक्टेड विद द सॉल्यूशन फार्मेसी।